सोनीपत में फर्जी आरटीओ सक्रिय है और एक फर्जी आरटीओ को गिरफ्तार भी किया गया है जो सड़कों पर वाहनों को रोककर अवैध वसूली किया करता था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप सोनीपत में हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो चेकिंग के लिए रोका जाए तो फिर देख लीजिए, भांप लीजिए कि वो आरटीओ कर्मचारी असली है कि नहीं, क्योंकि शहर में फर्जी आरटीओ के गिरोह सक्रिय हो गए। सोनीपत के कामी में रोड पर एक फर्जी आरटीओ वाहन की चेकिंग कर अवैध रूप से वसूली कर रहा था। वहीं इसी रोड पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर आरटीओ भी वाहनों की चेकिंग के लिए पहुंचे हुए थे, जहां फर्जी आरटीओ अमरजीत ने पहले एक ट्रक और बस से खुद को आरटीओ की पावर दिखाकर अवैध रूप से उगाई की और जब वहीं पर वाहन चालक को कुछ किलोमीटर के बाद दोबारा असली आरटीओ की टीम ने रोका तो ट्रक ड्राइवर ने विरोध किया। ट्रक ड्राइवर के विरोध से हकीकत सामने आई कि फर्जी आरटीओ भी है, जिसके बाद सोनीपत के आरटीओ ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचे और फर्जी आरटीओ बने अमरजीत को गिरफ्तार किया। हमारी टीम ऑलरेडी चेकिंग पे थी और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति है वहां पर और कामी रोड की का है ये इंसिडेंट। वो ये कह रहे हैं कि वो आरटीओ ऑफिस से हैं और अपना नाम जो है वो दीपक बता रहे थे। तो क्योंकि हमारी टीम उसके पास ही थी तो दो ही मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब उनसे पूछा तो वो हमारे डिपार्टमेंट से लिंक नहीं थे और वो फेक थे और शायद कुछ लोगों से उन्होंने कुछ पैसे लिए भी थे। इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक अमरदीप नाम है बंदे का, वो कामी चौक पे ऐसे ट्रक रोककर अपने आप को आरटीए स्टाफ बताकर वहाँ से पैसे ले रहा था ट्रक वालों से। तो ये हमारी संज्ञान में आया तो हमने उसको अरेस्ट किया है। सोनीपत का ही रहने वाला है और ये कामी चौक पे ही बता रहे हैं कि कुछ दिनों से ये एक्टिविटी उसकी चल रही थी। फर्जी आरटीओ अमरजीत सोनीपत का ही रहने वाला है और उसने ग्रेजुएशन और एमए की पढ़ाई की है। अमरजीत के पास से 5,000 रुपए बरामद हुए। बहरहाल वाहन चालकों को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, जिससे वो ठगी के शिकार ना हो सके, कोई फर्जी शख्स उनसे अवैध वसूली ना कर सके। सोनीपत से राम सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।